उत्तर प्रदेश के कासगंज में आज प्रभारी मंत्री सुरेश पासी का आगमन हुआ, जहां पे उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विभिन्न सड़कों का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में हो रहे विभिन्न विभागों के विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। वहीं पत्रकार वार्ता में राज्य मंत्री सुरेश पासी ने कहा है कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के लिए बात कर रही है और इसके ऊपर अमल भी कर रही है। उन्होंने कहा कि आयोजित कार्यक्रम के दौरान विकलांगों के लिए ट्राईसाइकिल वितरण भी की गई, वो प्राथमिक स्कूलों में संबंधित 50 बच्चों के लिए स्वेटर भी वितरित किए गए हैं। जनपद में जो प्रस्तावित योजनाएं हैं उनका शिलान्यास हुआ है और जो योजनाएं रनिंग में हैं उनका भी शिलान्यास हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना है, PWD की भी हैं, कुल ऐसी 14 योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। जिला योजना की बैठक पिछली बार भी हुई थी लेकिन जब से गवर्नमेंट बनी है एक पैसा अगर जिला योजना में नहीं आया है, क्या कारण है, क्यों नहीं आ सका पैसा? देखिए, हमारी सरकार ने पहला वर्ष किसानों को समर्पित किया था, किसानों की कर्ज माफी में पैसा गया है, बाकी अब योजनाओं के लिए सरकार ने हमारी पैसा देना शुरू कर दिया है। बहुत जल्द आप लोगों को दिखाई देगा कि विकास बहुत तेजी से शुरू हो गया और होगा। मंत्री जी, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है माँ पद्मावती की जो फिल्म है उसको रिलीज को लेकर 25 तारीख को रिलीज हो रही है, कर्णी सेना और क्षत्रिय समाज के लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसके लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, ये जो फिल्म रिलीज होने की बात है तो इसमें सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए और हमारी सरकार सुरक्षा के मामले में पहले से भी है, सशक्त है, पूरी सुरक्षा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश से फरहान खान की रिपोर्ट।